धारा 370 हटने के बाद पहली बार भाजपा शोफिया मुख्य बाजार में धारा 370 और 35 ए की चौथी वर्षगांठ मना रही है। जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट अन्य सभी समर्थकों के साथ यहां बाटापोरा में एकत्र हुए और तिरंगा फहराया और केंद्र सरकार के पक्ष में नारे लगाए और तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते समर्थक। 5 अगस्त 370 बिल्कुल दुकान ऐसे रोजन बंद, आम लुक अंदर रोजन, खून खराब उस गसल काल आस इवन दिन कैलेंडर उस नेरन कैलेंडर गई खत्म, आम लुक आश आसाइशी सान पनी जिंदगी गुजारन पन कारोबार करन दफा 370 हटन मकसद यह तुम्हें अमे असरात यी तुम्हें डेवलपमेंट कसा गई स्कीम कसा दि यह बोड़ बार ठोर अमुत यो रीजनल पार्टियो अमे सई डेवलपमेंट अम सब गो खून खराबा बंद आज कंस मोल मोज शाम वन हम मोन बच्चे मोरू आज कहान कि कुछ जी हा गई फायरिंग यह सा मूद ये गई बंद यह दफा 370 मकसद काला दम कर अमुक मकसद यह चूरम वरी मनावन बता देता हूँ। पास्ट हमेशा पास्ट ही होता है, जो चीज़ें चली गई वो चली गई। आज हम जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सही हो रहे हैं, यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं और मैं आपको फख्र के साथ कह सकता हूँ। आप ये देखिए, ये जश्न देखिए, आज पिछले 2019 के बाद एक भी दिन आप मुझे दिखाइए जब यहाँ पर स्ट्राइकें हुई, जब यहाँ लोगों ने अपने दुकानें बंद की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सर उठाने की इजाजत दी है, क्योंकि आज तक यहाँ पर युवा, यहाँ के युवा उन लोगों को गलत रास्तों पे भेज देते थे, लेकिन हमारी सरकार जब से धारा 370 हटा है जम्मू कश्मीर से, तब से यहाँ के लोग सर उठा के चल रहे हैं। और आप खुद भी देख लीजिए, हर गली में जाइए, हर कोचे में जाइए, मैग्नमाइज्ड है, डेवलपमेंट एट द पीक। तो आपको तो खुद भी पता है, हम चाहते हैं कि पूरा देश तरक्की करे और ये लोग चाहते हैं कि इनकी कुर्सियां बचे, लेकिन हम आश्वासन देते हैं आने वाले चुनावों में इनका नामो निशान जम्मू कश्मीर में नहीं।